बैक टू द माई चैनल। आज मैं मास्क लगा वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि इसके प्रति आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जरूरी है सबसे पहले अपना आप सिक्योरिटी डाल कर रखें, ठीक है। तो सिक्योरिटी जरूरी है, चूँकि अभी आपको पता होगा कि माहौल कैसे चल रहा था। इसको मैं निकाल देता हूँ फाइनली, और टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं कि किस टॉपिक पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि क्या आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी का कॉपी किस तरीका से किया जाता है, मार्क्स किस तरीका से दिया जाता है, इसके बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब वहाँ पे सपोर्ट किया कि हाँ इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बन जाए, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। और आपको फुल फुल मैं बताऊंगा कि एक यू का क्या पैटर्न होता है कॉपी चेक करने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर पहली बार आओगे तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होता है, उसको आपको सबसे पहले समझना जरूरी होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तभी आप समझ पाओगे कि कॉपी चेक करने का प्रोसेस क्या होता है। सो गाइस, सबसे फर्स्ट नंबर थिंग जो है वो ये है कि आपका एग्ज़ाम जो होता है, पहले आपका वो मिड सेम का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम भी बोलते हैं। फिर सेकेंड आपको पता होगा कि हम लोग का प्रैक्टिकल होता है, फिर वाइवा होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, जो आपको पता होगा, जिसको फाइनल एग्ज़ाम हम लोग बोलते हैं, वो एग्ज़ाम होता है। यानी कि तीन मेन रूप से आपका एग्ज़ाम होता है। तो तीन एग्ज़ाम को पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम का मार्क्स बोर्ड को कैसे सेंड किया जाता है, फिर उसके बाद से कॉपी किस तरीके से चेक किया जाता है, और चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिड सेम एग्ज़ाम की। तो आपको पता होगा कि मिड सेम का एग्ज़ाम वो मिड मतलब सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन होता है उसके मिड में होता है, तो इससे मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही हम लोग बोलते हैं, जिसको इंटरनल बोलते हैं। और इसकी कॉपी जो चेक होती है वो कॉलेज में ही चेक होती है, और इसके क्वेश्चन जो सेट किए जाते हैं वो कॉलेज में ही सेट किए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो क्वेश्चन उसी लेवल के होते हैं जिस लेवल के क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको पता होगा कि क्वेश्चन सर लोग कभी कभी दे भी देते हैं, और नहीं भी देते हैं तो वो क्वेश्चन आपको ग्रुप वगैरह कहीं ना कहीं मिल जाता है, और यूजली वो सब कोई पास करता है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है। बशर्ते उसका एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम का एक लिस्ट बनता है, उस लिस्ट में सब कैंडिडेट का जितने कैंडिडेट का एडमिशन होता है जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में सभी लोगों का एक रिकॉर्ड रहता है कि किसने कितना मार्क्स गेन किया है मिड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, और वो एक लिस्ट बन के कॉलेज को पास वो रहता है, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है एग्ज़ाम जो होता है वाइवा होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। इस सब का मार्क जो है वो कॉलेज ही डिसीजन लेता है, कॉलेज ही उसके बारे में सब कुछ डिसीजन करता है और कॉपी चेक करता है, और उसके बाद से उसको मार्क्स दे देता है, ठीक है। और वाइवा की हम लोग बात करें तो वाइवा से एक्सटर्नली कुछ लोग आते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट का आपका वाइवा हो रहा है उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वो आपसे वाइवा लेते हैं, और उसके बाद से वो नंबर डिसीजन देते हैं कितना नंबर किसको दिया जाएगा, और उसके अनुसार उसका मार्क्स कॉलेज को रिपोर्ट कर जाता है। और कॉलेज जो है इस सब मार्क्स को कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद से वो जब फाइनल आपका एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उस समय कॉपी को भेजने से पहले, मैं ध्यान दीजिएगा, कॉपी भेजने से पहले, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है उस कॉपी का जो हार्ड कॉपी होता है वो कॉपी आपको कॉलेज में ही कलेक्ट कर लिया जाता है। जितने पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा वो कॉलेज में कलेक्टेड रहता है, और कॉलेज में ही कलेक्ट रहता है, और विथ इन मतलब कि 8 से 10 दिन के अंदर वो कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी को कॉपी सेंड करता है। तो कॉपी सेंड करने के 8 से 10 दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले मिड सेमेस्टर और वाइवा वाला और प्रैक्टिकल वाला, ये तीनों जो है मार्क्स जो है सॉरी दोनों जो मार्क्स है, वाइवा और आपका प्रैक्टिकल और ये मिड सेमेस्टर वाला, तीनों जो मार्क्स है वो आपको यूनिवर्सिटी को सेंड किया जाता है, जो कि इस बार 9 अप्रैल को, यानी कि 9 अप्रैल को इस बार सेंड किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद से यूनिवर्सिटी का जो हम लोग का हार्ड कॉपी होता है, यूनिवर्सिटी जो बोर्ड का एग्ज़ाम लिखते हैं वो वाला को आपका कॉपी सेंड किया जाता है यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी में कॉपी जाने के बाद से आपको वहाँ पे जो कॉपी चेक किया जाता है, कॉपी चेक करने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करें। देखिए सबसे पहले जो कॉपी जाता है वहाँ पे, तो कॉपी को चेक करने का 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि पहले कोरोना नहीं था तो कॉपी जो चेक होता था वो ऑफलाइन चेक होते थे, और एक कॉपी जो है एक टीचर एक दिन में मतलब ज़्यादा 200-300 कॉपी चेक कर लेते थे। बट अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, अभी सिचुएशन ऐसा है कि कोई जाना भी नहीं चाहता है कॉपी चेक करने, और जो लोग जाते भी हैं उनको ज़्यादा कॉपी चेक करने को नहीं मिलता। ऐसा एक ही का रूल ही बना दिया गया है कि एक व्यक्ति 40 कॉपी से ज़्यादा दिन में चेक नहीं कर सकता, यानी कि एक बार में 40 कॉपी ही चेक करना है किसी टीचर को, और एक कॉपी पे मिनिमम 10 मिनट आपको टाइम देने हैं, ठीक है। तो इस तरीका से कॉपी थोड़ा स्लो चेक होता है, तो इस वजह से इस बार रिजल्ट आने में थोड़ा सा डिले भी हो जाएगा। मे बी मई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आएगा, इस अप्रैल में तो रिजल्ट आने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये बात कर हुआ जी हम लोग कैसे कॉपी चेक करते हैं। और देखिए कॉपी चेक करने का दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे कॉपी चेक होगा तो उसको मैं बता दूँ आपको।
जो कॉपी होता है उसको एक जगह स्कैन कर लेता है, और स्कैन करके एक साइट होता है, उस साइट पे सबको जो भी टीचर चेक करने जाते हैं उनको भेज दिया था, और वो डेस्कटॉप पे बैठ के अपना चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन चेक करके ऑनलाइन ही मार्क्स फुलफिल करते हैं, और वो बोर्ड को चला जाता है, और फिर बोर्ड आपका रिजल्ट पब्लिश कर देता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है जिससे कि कॉपी आपका चेक होता है। और पहले ऐसा प्रोसेस था कि एक व्यक्ति कितना भी कॉपी चेक कर सकता था, लेकिन अभी ऐसा प्रोसेस नहीं रहा। अभी मिनिमम आप सॉरी मैक्सिमम जो है आप 40 कॉपी ही एक दिन में चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सबको एक प्रॉपर मार्क दिया जाएगा, प्रॉपर अच्छा तरीका से कॉपी चेक किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब भी क्वेश्चन जो भी होते हैं वो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर शीट लिखने में हम लोग कुछ पेज छोड़ देते हैं, तो वो पेज जो होता है ना वो इधर उधर हो जाने के बाद से कभी कभी मार्क्स नहीं जुड़ता था, तो उस वजह से किसी को फेल या मतलब कम मार्क्स आते थे। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मतलब अब बोर्ड ने ऐसा रूल कर दिया कि सब पन्ना को आपको चेक किया जाता है, हर एक पन्ना आपका 40 पन्ना होते हैं ना, तो 40 पन्ना को ही चेक किया जाता है वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इस तरीका से आपका पूरा कॉपी प्रोसेस होता है चेक करने का। और सो गाइस, ये जो मैंने अभी बताया वो पूरा प्रोसेस होता है आपका कॉपी चेक करने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं एक नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी डेट है। तो आई होप कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक के यू का कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करता हूँ, और साथ ही साथ BCCL को यहाँ पे टीच कराता हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा चैनल आपको पसंद आता होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट आपके मन में होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं पूरा आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, या हमसे नहीं हो पाएगा तो मैं कहीं से पता करके आपको जरूर बता दूँगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।